नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल हर्बल सेशन टिप्स विद श्याम पे, जहां हम बातें करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर आयुर्वेद से किस तरह से ठीक किया जा सकता है। आज हम लेकर आया हूं गिलोय का काढ़ा यानी गिलोय का अर्क। यह गिलोय का अर्क आपके स्वास्थ्य के लिए कितना लाभप्रद है, हम उसी बारे में पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे यह गिलोय का अर्क कैसे बनाते हैं, कितना पानी लेना चाहिए, कितना गिलोय लेना चाहिए और कितना उसको हीट करें और कौन से कौन मर्ज के लिए इसका उपयोग हम करें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना। चलो चलते हैं वीडियो पे बिना देरी, समझते हैं ये गिलोय का काढ़ा कैसे बनाते हैं। गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए आपको सर्वप्रथम सूखी गिलोय की टहनी लेनी पड़ेगी और ये टहनी आपके मार्केट में इजीली मिल जाती है या फिर आपके आसपास में अमरवेल नाम का जो पौधा होता है, वैसे यह पेड़ों को लपेट के चलता है, पत्ते इसके बड़े बड़े होते हैं जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो। दोस्तों, इस गिलोय के टहनी को छोटे छोटे भागों में कर लें और उसको पीस लें, कूट लें। यदि आपके पास उखल है तो उखल के उसको अच्छी तरह से कूट लें, छोटे छोटे दाना हो जाए तो फिर इसको आप 1 लीटर पानी में, और पानी शुद्ध रहे आपको यह श्योर कर लेना चाहिए कि पानी आपका शुद्ध और साफ। इसके बाद आप 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गिलोय का जो कूटा हुआ चूर्ण है उसको उसके अंदर डालेंगे और उसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे, बाउल करेंगे और उसको बाउल तब तक करेंगे जब तक कि उसका कलर, जो गिलोय का कलर है, अच्छी तरह से उस बाउल के अंदर आ न जाए, यानी उस पानी के अंदर जब तक उसका कलर पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट न हो जाए या निचोड़ न जाए तब तक आपको उसको गर्म करना है यानी खोलाना है। अब आपको क्या करना है, खोलने के बाद आप अपना स्टोव बंद कर और उसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप मार्किंग क्लोथ ले लें, उससे अच्छी तरह से उसको फिल्टर कर लें, छान लें। अब उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है लगभग लगभग 500 ml होता है, 500 ml या उससे भी कम आपको मिलेगा जो एक्सट्रैक्ट। उस एक्सट्रैक्ट को आपको अच्छी तरह से एयर टाइट बॉटल में रख लेना और उसको हो सके तो फ्रिज में रखें और उतना ही बनाएं जितना आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन तक उसको कंज्यूम या खत्म कर सके। उससे ज्यादा बनाते हैं तो खराब होने के चांसेस हो सकते हैं, यदि आपका रख रखाव सही नहीं रहेगा तो खराब हो सकता है, तो यह प्रिकॉशन भी ध्यान में रखें और ऐसा ही करें। अब हम समझेंगे कि इसका, इस गिलोय के काढ़े का गुण और उपयोग। गिलोय का जो काढ़ा होता है इसका उपयोग बहुत ही लाभप्रद होता है, कई बीमारियों में यह काम करता है, चाहे वह आपको बढ़ी हुई बीपी हो या हाइपरटेंशन हो उसके लिए लाभप्रद होता है, या फिर आपको मधुमेह यानी डायबिटीज हो उसके लिए भी बहुत लाभप्रद होता है, या फिर आपको पित्त रोग हो उसके लिए भी यह बहुत लाभप्रद होता है। आम वात के लिए, आम वात जैसे कि आपके ठुगनी हो गए, इन सब में जोड़ों में दर्द हो, आम वात के अंतर्गत इस जोड़ों में दर्द होता है, तो यदि ऐसा भी आपको महसूस होता है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह एंटी इन्फ्लेमेशन गुण का प्रकृति इस रखता है। एंटी इन्फ्लेमेशन यानी आपके शरीर के अंदर यदि दर्द हो तो उस दर्द को कम करना, यही एंटी इन्फ्लेमेशन होता है। तो इस तरह का यह प्रकृति या इस तरह का गुण रखने की वजह से आपके शरीर के अंदर कहीं भी दर्द हो तो भी यह काम करता है। बाकी आपको हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो या फिर पित्त रोग हो, पित्त का बुखार हो तो भी यह बहुत ही लाभप्रद होता है और सबसे ज्यादा यह जो लाभप्रद होता है वह डायबिटीज के लिए। डायबिटीज आपकी यदि हुई है, आयुर्वेद के अंदर यह कहा गया है यदि आपको डायबिटीज है तो आप इस गिलोय का सेवन करें और वो पेशाब आपको जब लगती है उससे थोड़ा से पहले, यानी जब आपको पेशाब महसूस होने लगती है तभी आप इसका सेवन करें। आप उस जो बना के काढ़ा रखे हैं उस काढ़े को 20 ग्राम यानी 2 तोला आप उसको लीजिए और उस 100 ml पानी में अच्छी तरह से इसको घोल लीजिए। घोलने के बाद आप उस गिलोय का सेवन करें। इसके बाद आपके शरीर के अंदर जो शुगर होता है यानी जो शर्करा होती है, बढ़ी हुई शर्करा होती है, वह शर्करा यह पूरी तरह से निचोड़ के पेशाब के रास्ते बाहर फेंक देता है, तो यह बहुत ही लाभप्रद होता है शुगर की बीमारी में, डायबिटीज की बीमारी में, तो इसका सेवन जरूर करें। और इसका डोज कितना होना चाहिए, डोज कोई भी बीमारी हो उसके लिए आपको 2 तोला यानी 20 ग्राम आप इसको जो सिरप है उस सिरप को लीजिए, कंसंट्रेटेड है वो सिरप या काढ़ा, उसको 20 ग्राम लें, 100 ml पानी में अच्छी तरह से इसको घोल लीजिए और उसका सेवन करें सुबह दोपहर और शाम, ये तीनों टाइम सेवन करें और इसका रिजल्ट बहुत है। आपको यदि किसी डॉक्टर से परामर्श लेकर इसको करना है तो भी आप कर सकते हैं क्योंकि यह कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, आप इसको किसी रोग के लिए ही करें। कोई आयुर्वेद का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी रोग के लिए आप इसका यूज न करें, जो मैंने बताया उसी रोग के लिए आप इसका उपयोग करते हैं तो 100% इसका आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको यदि पसंद आए, आपको इससे तनिक भी नॉलेज मिला तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक। दूसरी वीडियो में आप हमारी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, आप खुश रहें, मस्त रहें।